भरोसा जताया है और बीजेपी को ताजा रुझानों में लीड मिलती नजर आ रही है, ऐसा समाचार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ी जीत की तरफ बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी और पूरे के पूरे एनडीए जो रुझान दिख रहा है माननीय मोदी जी के नाम से और मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल को लेकर, हम इस बार एनडीए 350 क्रॉस करने जा रही है और बीजेपी अपने बलबूते पर 300 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है। ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक मैंडेट है और 2014 के जो मैंडेट मिला था उससे आगे बढ़कर इसलिए हुआ कि मोदी जी ने 5 साल में देश की जनता को दिखा दिया कि प्रधानमंत्री को क्या कैसे काम करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी ने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया, सेना को अधिकार देने की बात की, गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, तो आज मोदी जी की योजना की जीत हुई है और ये देश की जनता की जीत है। मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मोदी जी के ऊपर विश्वास प्रकट करके भारत के सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चा होती रही और ये भी एग्जिट पोल के रुझानों में देखने को मिला कि बड़ी जीत गठबंधन अर्जित कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से रुझान आज देखने को मिल रहा है बीजेपी फिर बड़ी सीट वहां पर जीत रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले गठबंधन जो किया समाजवादी के साथ किया था, उसमें उनकी हार हुई। इस बार उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया और जब बड़ी हार हुई, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिसके साथ जाएगी वो भी हारेगा और राहुल गांधी को देश की जनता ने पूरी तरीके से 14 और 19 में फिर से रिजेक्ट किया है और बता दिया है कि इस प्रकार की राजनीति जिसमें प्रधानमंत्री के लिए के अब शब्द बोले जाते हैं, प्रधानमंत्री जी के नारे लगाए जाते हैं गलत तरीके से, देश की जनता ने उस नारे को रिजेक्ट किया और प्रधानमंत्री जैसे ईमानदार, मोदी जैसे ईमानदार छवि को धूमिल करने का जो प्रयास हुआ देश की जनता ने उसको पूरी तरीके से। नॉन हिंदी बेल्ट में बीजेपी ने कोई खाता नहीं खोला था 2014 में, पश्चिम बंगाल का जिक्र है, एक आध दो सीटी बीजेपी जीत पाई थी, इस बार परफॉर्मेंस बेहतर है, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या नॉर्थ ईस्ट के जो दिगर राज्य हैं वहाँ, इसे किस तरीके से? इस बार हम पहुंचे हैं नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंचे हैं, वेस्ट बंगाल में धमाकेदार जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था, अकेले मोदी जी और अमित शाह जी कहते थे कि हम 23 के ऊपर सीट जीतने वाले हैं, लोग मजाक उड़ाया करते थे वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा का जो रिजल्ट आया और नॉर्थ ईस्ट का जो रिजल्ट दिया, ये डेवलपमेंट की जीत है, ये विकास की जीत है, ये नारों की जीत नहीं है। जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, जिस प्रकार सड़कों का जाल बिछाया गया, जिस प्रकार पुल के निर्माण की प्रक्रिया हुई, वहाँ के लोगों को ये विश्वास हुआ कि लोग जो घुसपैठिए हैं उन घुसपैठियों को इस देश से खदेड़ा कैसे जा सकता है, ये इच्छा शक्ति सिर्फ नरेंद्र मोदी है और सेना के अधिकार को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, देश के मान सम्मान को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव। देश के तमाम अपोजिशन पार्टी के लोगों ने ईवीएम को लेकर बड़ी आपत्ति जताई और पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयोग से भी उन्होंने मुलाकात की थी, ये किस तरीके से इसे आप देखते हैं और अब जब ये रुझान सामने है तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश है? ये अपने दोष अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आज से 3 दिन पहले जब इनको पराजय दिख गया तो इनको इस बात को महसूस हो गया कि हारने वाले हैं, तो हार का ठिकरा किसके सिर पे फोड़ा जाए। इन्होंने ईवीएम को निशाना बनाया और अपने पराजय को, अपने को सुधारने के लिए कभी नहीं सोचते कि उनकी नीतियां गलत है, उनकी कार्ययोजना गलत है, मोदी जी के ऊपर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप वो नारे लगाते वो गलत है, उस पर सुधार करना चाहिए, बल्कि मशीन को दोष देने की जरूरत नहीं। एक आखिरी सवाल है, छत्तीसगढ़ के नतीजे भी इस बार 2004, 2013 और 2014 के जो चुनाव में देखने को मिले थे लगभग उस तर्ज पर जा रहा है, 9 सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। 2018 में जो चुनाव हुए हैं बड़ी तादाद में मैंडेट जो था कांग्रेस के हिस्से आया था, इसे किस तरीके से? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि जिसकी विधानसभा जिसकी होती है उसका लोकसभा होता है। आज भूपेश बघेल को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनकी विधानसभा में जीतने के बाद हम तो लगातार 3 लोकसभा और तीनों लोकसभा में बेहतर रिजल्ट दिए थे और चौथे में भी हमने बेहतर रिजल्ट दिया है, 10 के पास हम पहुंचेंगे, 10 और 11 सीट में जाएंगे। भूपेश बघेल को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो घमंड के साथ कहते थे कि विधानसभा हमारी है तो हम 11 में 11 सीट जीत के दिखाएंगे, आज भूपेश बघेल और उसकी नीतियां, उसकी योजना, उसके बदलापुर की सरकार का पूरी जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है और बता दिया है कि भय और आतंक और बदलापुर की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। दुर्ग में ही जो है वो बीजेपी की से जा रही है। सबसे ज्यादा वोटों से दुर्ग लोकसभा में वो हारेंगे, उनके गृह
विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट चाह रहे हैं। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। बीजेपी के जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहे हैं उससे बेहद गदगद हैं, और जिस तरीके से दावे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किए थे कि 11 की 11 सीटें जीतेगी, और जिस तरीके से 9 सीट पर बीजेपी का बढ़ता ग्राफ नजर आता है, इस पर एक कटाक्ष भी है भूपेश सरकार पर। रायपुर से आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। सत्ता के संग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक कर जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा। बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो,